दिनांक 5 अक्टूबर वर्ष 2020, आठवीं कक्षा मैथ्स, सातवां चैप्टर विचरण। तो विचरण क्या होता है आइए समझ लेते हैं। विचरण जिसे इंग्लिश में वेरिएशन कहते हैं, तो ये जो विचरण है ये दो राशियों के बीच में पाया जाता है। अब राशियाँ क्या होती है? जिन चीज़ों को मापा जाता है, जिनका मापन किया जाता है, उन्हें राशि कहते हैं। अब राशियों में संबंध होता है, अनुपात, कुछ अनुपात का संबंध होता है, जिन्हें विचरण कहते हैं। अब ये जो संबंध है अनुपातों का, जिन्हें विचरण कहा जा रहा है, यह दो तरह के संबंध होते हैं, एक प्रत्यक्ष विचरण और एक प्रतिलोम विचरण। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विचरण समझ लेते हैं। आप इस सारणी में देखिए, यहाँ कॉपियों की संख्या दी है और मूल्य दिए हैं। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं ये दो राशि है, कॉपियों की संख्या ये एक राशि है और मूल्य, उनके मूल्य दूसरी राशि है। अब आप मार्केट में एक कॉपी खरीदेंगे, समझ जाइए वो 20 रुपये की है, यदि एक कॉपी 20 रुपये की है तो निश्चित रूप से 50 कॉपी यदि खरीदेंगे तो उसका जो मूल्य है वह भी बढ़ जाएगा। अब कम कॉपी खरीदेंगे तो मूल्य और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉपियों की संख्या यदि कम है तो मूल्य भी कम होगा, ज़्यादा कॉपी खरीद रहे हैं तो उनके मूल्य भी ज़्यादा होंगे। तो इस तरह एक राशि के बढ़ने पर यदि दूसरी राशि का मान भी बढ़ता है तो उन दो राशियों में प्रत्यक्ष अनुपात होता है या प्रत्यक्ष विचरण होता है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसे राशियों में अनुपात हमेशा स्थिर होता है। जैसे कि देखिए, ये 12 कॉपी है, मूल्य 240 रुपये, आप देख सकते हैं ये 20 गुना है नीचे, 12 में 20 से गुणा करेंगे तो 240 आता है। ऐसे ही 3 कॉपी है तो 3 का 20 गुना यदि कर दें तो 60 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ ये 60 हो जाएगा। ये 9 है तो 9 का 20 गुना, 9 दूनी 18, 180 रुपये हो जाएंगे 9 कॉपियों का मूल्य। इसी प्रकार 24 में 20 से गुणा कर दीजिए तो 480 रुपये 24 कॉपियों का, 50 में 20 से गुणा कर दीजिए तो 20 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो 25 ज़ा 100, तो 1000 रुपये हो जाएंगे। एक कॉपी है तो 1 का 20 गुना 20, यानी हर बार जो अनुपात है वो 1/20 ही होता है। तो दो राशियों में यदि प्रत्यक्ष अनुपात है, प्रत्यक्ष विचरण है अर्थात, तो उनका अनुपात हमेशा स्थिर ही रहेगा। अब प्रत्यक्ष अनुपात को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कॉपियों की संख्या को x माना है, मूल्य को हमने y माना है। अब हमें ये दर्शाना है संकेत के माध्यम से कि कॉपियों की संख्या और मूल्य में प्रत्यक्ष विचरण है, तो संकेत के माध्यम से इसे इस तरह से दर्शाते हैं कि x यानी कि कॉपियों की संख्या तथा y यानी कि उनका मूल्य, इन दोनों में प्रत्यक्ष विचरण है। प्रत्यक्ष विचरण, ये जो चिन्ह है इसे अल्फा कहते हैं और ये विचरण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जैसे ही आप लिखेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि x और y में प्रत्यक्ष विचरण है। अब इस प्रत्यक्ष अनुपात को जब आप ये इक्वल साइन में बदलते हैं तो वहाँ पर आपको एक अचरांक लिखना होता है, अचरांक KY। ये K का मान फिक्स है, किसी भी राशि में एक ऐसी फिक्स संख्या होगी जिससे गुणा करने पे दोनों का मान बराबर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये 12 और 240, ये 240 12 का 20 गुना है। अब ये 12 में 20 से गुणा कर दूं तो ये और ये दोनों, ये दो ऊपर भी 240 आ जाएगा, नीचे भी 240 आ जाएगा। ऐसे ही हर जगह, यहाँ भी 3 में 20 से गुणा कर दूं तो ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर सेम हो जाएगा, 60 60, ऐसे यहाँ पर भी रहा। तो ये जो कॉपियों की संख्या x है, इसमें अगर 20 से गुणा कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ये जो 20 है वो अचरांक है, यानी कि k है।
तो ऐसे ही दो राशियों में जब प्रत्यक्ष अनुपात होता है तो कोई एक ऐसा चरांक होता है, कोई एक ऐसा नंबर होता है, उसको यदि किसी राशि में गुणा करें तो बीच में बराबर हो जाता है या अनुपात दोनों के बराबर हो जाते हैं। के एक स्थिर पद है। अब जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, एक्स और वाई के में प्रत्यक्ष विचरण है, तो एक्स अगर 5 है तो वाई 30 होता है, यानी वाई 5 एक्स का 6 गुना है, 5×6=30। तो विचरण का अचरांक ज्ञात करिए तथा विचरण का समीकरण लिखिए। तो देखिए x और y में प्रत्यक्ष विचरण है तो इस तरह से संकेत आ जाएगा। अब ये जो विचरण का संकेत है इसे जब बराबर लिखेंगे तो y के साथ में k लग जाएगा, ये इस तरह से x बराबर के वाई। k क्या है? k जो है विचरण का अचरांक है। अब ऊपर सवाल में x का मान 5 और y का मान 30 दिया था, तो x के जगह पे 5 और y के जगह पे 30 डाल देंगे, 30 को वो साइड में शिफ्ट करेंगे, बटे हो जाएगा, तो k का मान 1/6 आ जाएगा, तो यानी ये विचरण का अचरांक मिल गया। अब ये जो k का मान हमें 1/6 मिला है इसे हम इस समीकरण में यदि रख दें तो विचरण का समीकरण भी मिल जाएगा। k का मान 1/6 रखेंगे अगर तो k के जगह पे 1/6 रखने पर ये प्राप्त होगा x बराबर y/6। ये k का मान 1/6 रखा तो इस तरह से हो गया। अब तिर्यक गुणा करें तो y बराबर 6x प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ये विचरण का समीकरण है। अब ऐसे ही मूंगफली की कीमत और उसका वजन, इसमें भी प्रत्यक्ष विचरण होगा क्योंकि जितना ज़्यादा वजन होगा मूंगफली का उसकी कीमत भी उतनी ज़्यादा होगी। वजन यदि कम है तो कीमत भी कम होगी। एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि बढ़ती है, एक राशि के कम होने पे दूसरी राशि कम होती है। इस तरह जब भी दो राशियों में हो तो उन राशियों में प्रत्यक्ष विचरण होता है, ऐसा हम कहते हैं। तब देखिए यहाँ पर मूंगफली की कीमत को x मान लिया गया है, मूंगफली के वजन को y मान लिया गया है, दोनों में प्रत्यक्ष विचरण है इसलिए x, ये विचरण का चिन्ह y, इस तरह से हो जाएगा। अब ये विचरण के चिन्ह को अगर हम इक्वल लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, तो y जो है ky हो जाएगा। अब सवाल देखिए पढ़ते हैं, 5 किलोग्राम मूंगफली की कीमत 450 रुपये है, इसका मतलब यहाँ पर x 450 रुपये और y 5, क्योंकि वजन को हमने y माना है और वजन यहाँ पर 5 किलो है, कीमत को हमने x माना है और ये 450 है, इसीलिए x 450 और y के 5 रख देंगे, तो x और y का मान डाल दिया। सबसे पहले तो ये आपको लिखना है, x विचरण का संकेत y, जो विचरण को इक्वल लिखेंगे तो y के y हो जाएगा, फिर x और y का मान डाल देंगे। x और y का मान डालने पर k का मान 90 हो जाएगा। अब k का मान इस समीकरण में यदि रख दें तो विचरण का समीकरण भी प्राप्त हो जाएगा, k यहाँ पर 90 आया है। तो देखिए अभी सवाल में आगे क्या पूछा है कि एक क्विंटल मूंगफली की कीमत ज्ञात कीजिए, एक क्विंटल यानी 100 किलोग्राम, तो वजन यहाँ पर 100 किलोग्राम यानी y 100 है तो x कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो समीकरण हमें मिला ही है x बराबर के वाई, k का मान भी हमें 90 मिल चुका है, y का मान 100 दिया है, तो ये k का और y दोनों का मान डाल दिया, तो x 9000 यानी एक क्विंटल मूंगफली की कीमत 9000 रुपये होगी। तो आइए अब शुरू करते हैं 7.1। यहाँ विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिखना है, जैसे कि पहले का पहला वृत्त की परिधि उसकी त्रिज्या आर के समानुपात में है, समानुपात में है यानी प्रत्यक्ष विचरण है। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए
दिए गए कथनों को विचरण के संग को संकेत के माध्यम से लिखना है। वृत्त की परिधि सी दिया गया है, उसकी त्रिज्या आर दिया गया है, प्रत्यक्ष अनुपात है, समानुपात है, तो इसे ऐसे लिखेंगे सी और ये अल्फा आर, ये विचरण का चिन्ह आर। ऐसे ही उसी का दूसरा सवाल पहले का, किसी कार में लगने वाला पेट्रोल लीटर में एल और कार द्वारा तय की गई दूरी डी, प्रत्यक्ष विचरण है। जितना ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी में होगा वह उतनी अधिक दूरी तक जाएगी, यानी जितना दूरी ज़्यादा दूरी तक जाना है तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, कम दूरी जाना है पेट्रोल भी कम लगेगा, तो दोनों में प्रत्यक्ष विचरण है। तो L और D में प्रत्यक्ष विचरण, ये संकेत से लिख दिया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, सेब का मूल्य तथा सेब की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, इस आधार पर निम्नलिखित सारणी पूर्ण करना है। देखिए, सेब की संख्या एक, सेब का मूल्य आठ, यानी एक सेब का मूल्य आठ रुपया है, तो चार सेब का, देखो ये एक का चार गुना हो गया तो नीचे भी चार गुना हो जाएगा, आठ चौक 32, फिर ये आठ सत्ते 56, ये सात गुना हो गया है, तो यहाँ पर भी ये इसका सात गुना हो जाएगा, एक सत्ते 7, तो ऊपर आंसर 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, ये एक था, यहाँ पर 12 आ गया, 12 गुना हो गया, एक का 12 गुना, तो ये भी नीचे 12 गुना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी यहाँ 96। फिर ये देखिए, ये 8 है और ये 160 हो गया है, 20 गुना हो गया है, तो ये भी ऊपर भी 20 गुना हो जाएगा, तो एक का 1 का 20 गुना करेंगे तो 20 ही आएगा, तो ऊपर 20। तो इस तरह से ये टेबल इस तरह से बन जाएगा, एक चौक 4, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 1 सत्ते 7, एक 1 × 12 = 12, तो 12 अट्ठे 96, 8 12 हम 96, फिर ये 8 गुड़े 20 160, तो 1 × 20 = 20। तो इस तरह से ये सारणी पूरी होती है। तीसरा सवाल हल करना है, M और N में प्रत्यक्ष विचरण है, M यदि 154 हो तो N 7 हो जाता है, तो ये दोनों मान रख करके हम विचरण का अचरांक मिल जाएगा, K मिल जाएगा। फिर यहाँ N अगर 14 है तो M का मान ज्ञात करिए, N और K का मान डालेंगे तो M मिल जाएगा। तो जैसे हम उदाहरण में चर्चा कर रहे थे, सबसे पहला स्टेप तो ये लिखेंगे, फिर जैसे ही ये जो विचरण का चिन्ह है इसे इसके जगह पे हम इक्वल लिखेंगे, बराबर डालेंगे, तो N का KN हो जाएगा, उसके बाद M और N का मान डाल देंगे, K मिल जाएगा, फिर वो K और ये N इनका मान डाल देंगे तो M मिल जाएगा। यही पूरा स्टेप है, देख लीजिए, M और N में प्रत्यक्ष विचरण, ये विचरण के चिन्ह पर के जगह पर बराबर डालेंगे तो N जो है वो KN हो जाएगा। अब M कितना दिया, 154, N कितना दिया है, 7, तो M और N का मान डाल देंगे, 7 वहाँ जाके भाग हो जाएगा, भाग देंगे तो K बराबर 22 आ गया, तो यानी विचरण का अचरांक हमें मिल गया K बराबर 22। K का मान यहाँ डाल देंगे तो ये हो जाएगा M बराबर 22 N। अब आगे सवाल में N का मान 14 दिया है, M का मान ज्ञात करना है, तो N के जगह पे 14 लिख दिया, 14 गुड़े 22 करेंगे तो 308 आ गया, M का मान 308। तो ये तीसरा सवाल भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, चौथा सवाल देखिए, N और M के प्रत्यक्ष विचरण में हो तो दी गई सारणी पूर्ण करिए। प्रत्यक्ष विचरण में हमेशा अनुपात समान ही रहता है, नीचे देखिए 4 गुना है, 3 × 12, यहाँ भी देखिए 5 × 20, तो 6.5 है, 4 से गुणा कर देंगे तो नीचे का आंसर आ जाएगा, 6.5 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 के 0 हंसे लगा 2, 4 × 24 = 26, यानी नीचे 26 आ जाएगा। अब ये 28 है, तो
कैसे करेंगे? देखो नीचे चार गुना है, ऊपर के नंबर नंबर दिया है, नीचे का नंबर लिखना हो तो हम चार से गुणा करते हैं। ऐसे नीचे का दिया है, ऊपर का लाना है तो चार से भाग दे देंगे, या 28 में चार से भाग दे दीजिए, चार सत्ते 28, तो यानी ऊपर सात आ जाएगा, तो सात चौक 28, उसका चार गुना नीचे 28, 1.25 है, चार से गुणा कर दीजिए, चार पंचे 20 के जीरो, हाथ से लगा दो, चार दूनी 8, दो 10 के जीरो से लगा एक, चार एकम चार और एक 5, नीचे आ जाएगा 5। तो इस तरह ये सारणी पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये सारणी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करके लिख दिया है। 26.0 का मतलब 26 होता है, और ये 5.00 यानी 5 भी लिख सकते हैं इसके जगह पर। अब पांचवा सवाल, पांचवा सवाल देखिए क्या दिया है। वाई एक्स से वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है। एक्स 16 तब वाई 24 होता है, तो विचरण का अचरांक ज्ञात कीजिए, यानी कि के ज्ञात करना है। विचरण का समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि के का मान डाल देंगे तो विचरण का समीकरण भी मिल जाएगा। तो वाई एक्स के वर्गमूल से प्रत्यक्ष विचरण है, तो वाई और एक्स का वर्गमूल यानी करणी में एक्स, प्रत्यक्ष विचरण, विचरण की जगह पे बराबर लिखेंगे अगर, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, के रूट एक्स हो जाएगा। अब सवाल में आगे एक्स 16 और वाई 24 दिया है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर 16 लिख देंगे, जहाँ वाई है वहाँ 24 लिख देंगे। 24 का वर्गमूल होता है 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे भाग हो जाएगा, तो k बराबर 6, ये मिल गया विचरण का अचरांक। अब इस k का मान जब यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा y 6 रूट एक्स, ये हो गया विचरण का समीकरण। तो ये विचरण का अचरांक यानी k का मान, और k का मान यहाँ पर डाल दिया तो विचरण का समीकरण हो गया। अब छठे सवाल पर चलते हैं। सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है। यदि मजदूरी और मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी? तो यहाँ दो चीज़ें हैं, दो राशियाँ हैं, मजदूरों की संख्या और उनको दी जाने वाली मजदूरी। अब ये दोनों में संबंध कैसे हैं? प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है, क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा मजदूर होंगे उतनी ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी, यानी एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ती है। कम मजदूर होंगे तो मजदूरी भी कम जाएगी, यानी एक राशि कम होने पर दूसरी राशि कम हो रही है। तो इस तरह से जब भी उनमें संबंध होता है राशियों में तो प्रत्यक्ष विचरण कहते हैं। तो यहाँ पर मजदूरों को और मजदूरी को आपको कुछ मानना पड़ेगा ताकि लिखना इजी हो जाए। तो हमने यहाँ मजदूरी को x मान लिया तथा मजदूरों की संख्या को y मान लिया। अब दोनों में प्रत्यक्ष विचरण है तो x, ये विचरण का चिन्ह y। अब ये जो विचरण का चिन्ह है इसके जगह पे अगर बराबर लिखेंगे तो y क्या हो जाएगा, के वाई हो जाएगा। अब सवाल में क्या दिया है, 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देते हैं, यानी मजदूरों की संख्या 4, यानी वाई बराबर 4, मजदूरों की संख्या वाई माना है हमने, तो मजदूरों की संख्या यहाँ 4 है तो वाई 4, मजदूरी को एक्स माना है और यहाँ 1000 रुपये मजदूरी दिया है, यानी एक्स 1000, तो वाई और एक्स का मान डाल दिया यहाँ पर, ये एक्स का मान और वाई का मान डाल दिया, 4 वहाँ जाके भाग हो जाएगा तो के का मान हो जाएगा 250। अब इस के का मान यहाँ पर डाल देंगे तो समीकरण मिल जाएगा, ये विचरण का समीकरण मिल गया। अब आगे सवाल में दिया है कि 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो मजदूरी यानी कि एक्स ज्ञात करना है, मजदूरों की संख्या 17 यानी कि वाई बराबर 17 है, इस वाई का मान यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो ये एक्स बराबर 250 × 17 हो जाएगा। 250 × 17 करेंगे 4250, तो इसलिए 17 मजदूरों की मजदूरी 4250 रुपये है।
अब 7.2 की तरफ चलते हैं। 7.2 को समझने के लिए प्रतिलोम विचरण क्या होता है वो अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। प्रतिलोम विचरण जो है प्रत्यक्ष विचरण का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष विचरण में हम देख रहे थे कि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ता है, अथवा एक राशि का मान यदि कम हो रहा है तो दूसरी राशि का मान भी कम होता जाता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे ये उदाहरण देख लीजिए, कतार में छात्रों की संख्या है 40। यदि एक कतार में 40 विद्यार्थी खड़ी करते हैं तो कुल 6 कतार लगानी पड़ती, 6 कतार बनती है। लेकिन एक कतार में अगर 10 विद्यार्थी ही खड़ी करें एक लाइन में तो हमें 24 लाइन बनानी पड़ेगी। आप समझ रहे हो, एक यानी एक कतार में ज़्यादा बच्चे खड़ी करेंगे तो कम लाइनें बनानी पड़ेंगी, और जबकि एक लाइन में कम बच्चे अगर खड़े कर रहे हैं तो हमें लाइनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जैसे परेड वगैरह करने के लिए बच्चों को कतार में खड़े करते हैं ना हम लाइन में, तो वैसे एक लाइन में यदि ज़्यादा बच्चे खड़े करते हैं तो लाइन की संख्या है वो कम होगी, कतार की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे एक लाइन में कम बच्चे खड़े कर रहे हैं तो लाइन की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर एक कम हो रहा है तो दूसरी राशि बढ़ रही है, ये 10 के बाद 24, ये देखिए बढ़ गई बच्चों की संख्या तो कतार की संख्या कम हो गई। यानी राशियों में उल्टा संबंध है, यहाँ ये एक राशि जब बढ़ती है तो दूसरी राशि कम हो रही है। 24 से देखिए फिर 12 कम और कम कर दिया तो नीचे देखिए 6 से 20 हो गया, नीचे बढ़ गया। 12 से 8 कम कर दिया एक कतार में बच्चों की संख्या तो यहाँ देखिए 20 ये हमने कम किया तो नीचे बढ़ गया, कतार की संख्या बढ़ गई। तो इस तरह से ये जो संबंध है राशियों में कि एक राशि के बढ़ने पर यदि दूसरी राशि कम हो रही है या एक राशि कम होने पर दूसरी राशि बढ़ रही है तो इन राशियों में प्रतिलोम विचरण होता है। और प्रतिलोम विचरण में क्या होता है कि दोनों हमेशा उनका गुणनफल सेम रहता है। जैसे कि 40 गुणे 6 करेंगे तो 240 आएगा, 10 गुणे 24 यहाँ भी 240 ही आएगा, 24 गुणे 6 करेंगे यहाँ पर सुधार करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा क्योंकि गुणनफल 240 ही आना चाहिए प्रतिलोम विचरण में। यहाँ पर देखिए 12 और 20 है दोनों गुणा करेंगे 240 ही आएगा, यहाँ पर भी 8 गुणे 30 करेंगे 240 ही आएगा। तो ये प्रतिलोम विचरण है जब गुणनफल सेम हो रहा है, तो दो पहचान है उनका गुणनफल हमेशा समान आएगा। दूसरी पहचान ये है कि वो एक राशि का मान यदि कम हो रहा है तो दूसरी राशि का मान बढ़ जाएगा, उल्टा होगा। तो ये प्रतिलोम विचरण है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे x और y में प्रतिलोम विचरण अगर है तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, x 1/y और बीच में विचरण का चिन्ह। अगर ये प्रत्यक्ष विचरण होता तो 1/y नहीं लिखते, सिर्फ y लिखते। इसके बाद अगला जो स्टेप है, अगर हम विचरण के चिन्ह की जगह पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो ये 1/y जो है वो k/y हो जाएगा, और ये तिर्यक गुणा करेंगे तो x गुणे y बराबर k हो जाएगा। तो इस k को विचरण का अचरांक कहते हैं, k का मान डाल दिया जाए तो ये विचरण का समीकरण बन जाएगा। तो उदाहरण एक देख लेते हैं, a और b में प्रतिलोम विचरण है तो सारणी पूर्ण कीजिए। तो प्रतिलोम विचरण है तो गुणनफल हमेशा सेम ही आएगा। जैसे 6 और 20 है तो गुणनफल 120 आ रहा है। अब ये 12 है, अगली राशि ज्ञात करनी है, हमें पता है कि गुणनफल 120 ही आने वाला है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, 120 में 12 से भाग दे दीजिए, 12 दहम में 120 होता है ना, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब ये 15 है, हम जानते हैं गुणनफल 120 ही आएगा,
अब ये दूसरी राशि ज्ञात करने के लिए 120 में 15 से भाग दे दीजिए, तो 15 अट्ठे 120 होता है ना, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब ये 4 है, हम जानते हैं गुणनफल 120 ही होगा, तो यहाँ 120 लिख दीजिए। अब ये राशि यदि ज्ञात करनी है तो 120 में 4 से भाग दे दीजिए, तो आंसर 30 आएगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो इस तरह से सारणी पूर्ण की जा सकती है, और यूनिट टेस्ट की दृष्टि से इस तरह के सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं। अब उदाहरण 2 पे आ जाते हैं। यहाँ F और D स्क्वायर में प्रतिलोम विचरण है, इसलिए 1/D² लिखा है। D का मान जब 5 होता है तो F 18 होता है, तो इन दो मान के आधार पर हम लोग K का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर D बराबर 10 हो तो F का मान ज्ञात कीजिए, यानी D का मान और K का मान डाल देंगे तो F मिल जाएगा। अब यहाँ F का मान दिया है, तो F का मान और K का मान डाल देंगे तो D भी निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, देखिए एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये स्टेप, F प्रतिलोम विचरण है D स्क्वायर में, इसलिए 1/D². अब जैसे ही ये विचरण को के जगह पे इक्वल लिखोगे आप, अब यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि F इज इक्वल टू K/D² हो जाएगा ये, और फिर आप तिर्यक गुणा करेंगे तो F गुणे D² बराबर K हो जाएगा। फिर F और D का मान जब डाल देंगे तो K का मान मिल जाएगा, K यानी विचरण का अचरांक, जिसे विचरण का स्थिरांक भी कहते हैं। अब ये D का मान 10 दिया है, तो D का मान और K का मान रखने पर, किस में रखने पर, ये जो समीकरण मिला है इसमें F और K का मान डाल दिया गया है, D और K का मान डाल दिया है। तो D 10 है, तो D² 10² हो गया, ये 100 वहाँ भाग देंगे तो F का मान 4.5 हो जाएगा। अब सेकेंड, F का मान 50 है और K 450 है, तो ये F का मान डाल दिया और K का मान 450 डाल दिया, तो D² मिल जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे तो D बराबर 3 या D बराबर -3, जो वर्गमूल होता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन वर्गमूल माइनस में भी मिल सकता है, इसलिए -3 भी लिख सकते हैं। प्रश्न संग्रह 7.2, किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाए गए मजदूरों की संख्या और कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की जानकारी सारणी में दी गई है, यह सारणी पूर्ण कीजिए। अब देखिए, मजदूरों की संख्या और दिन, अब खुद सोचिए कि इन दोनों में कैसा विचरण है। यदि कम मजदूर से आप कोई काम करवा रहे हैं, कम मजदूर लगाकर, तो आप जानते हैं ज़्यादा दिन लगेंगे, काम पूरा होने में दिन ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा मजदूर यदि काम कर रहे हैं तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा कम दिन में, यानी ये दोनों में उल्टा विचरण है, प्रतिलोम विचरण है। मजदूर बढ़ ज़्यादा रहेंगे तो दिन कम लगेंगे। यहाँ भी देखिए, 30 मजदूर हैं तो 6 दिन लग रहे हैं काम पूरा होने में, अब मजदूर कम हो गए तो देखिए दिन ज़्यादा लगेगा, यानी प्रतिलोम विचरण है। तो प्रतिलोम विचरण में क्या होता है कि इनका गुणनफल हमेशा सेम ही आता है, स्थिर होता है। जैसे यहाँ 30 × 6 = 180, 20 × 9 = 180, तो यहाँ पर भी ऐसी संख्या होगी कि उसका 12 से गुणा करने पे 180 ही आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 180 में 12 से भाग देना होगा। तो 180 में 12 से अब आप भाग देंगे तो देखिए 12 × 1 = 12, 18 में से 12 गया 6, ये 0 नीचे आ गया, 12 × 5 = 60, 15 आ गया। तो इसलिए 12 दिन में यदि काम ख़त्म करना है तो 15 मजदूर लगेंगे। अब ऐसे ही अगर मजदूरों की संख्या 10 है और ज्ञात क्या करना है, दिन कितने लगेंगे ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि दोनों का गुणनफल 180 होना चाहिए। तो ये वाली संख्या कैसे निकाला, हमने 180 से भाग दे दिया, तो 180 में 10 से भाग देंगे, 10 × 10, 18 में से 10 गया 8, ये 0 नीचे ले लिया, 10 × 8 = 80, तो इस तरह से 18 आ जाएगा, 10 मजदूर 18 दिन में कार्य को पूरा करेंगे।
अब यहाँ दिन की संख्या 36, 36 दिनों में काम पूरा करना है, तो ये 5 कैसे आया? वही 180 में 36 से भाग दे दीजिए, 36 पंचे 180, यानी 36 दिन में यदि कार्य पूरा करना है तो 5 मजदूर लगेंगे, मजदूरों की संख्या 5 हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। प्रत्येक उदाहरण में विचरण के अचरांक ज्ञात करना है और विचरण के समीकरण लिखना है। तो ये बहुत ही आसान है, ये जो विचरण का चिन्ह है उसका जगह पे इक्वल डालेंगे तो ये के अपॉन क्यू हो जाएगा, फिर p और q का मान डाल देंगे तो k का मान मिल जाएगा, यानी विचरण का अचरांक मिल जाएगा, और फिर k का मान डाल देंगे तो विचरण का समीकरण मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल, विचरण का अचरांक और समीकरण लिखना है हमें। पहला सवाल क्या दिया है, p और q में प्रतिलोम विचरण है। कैसे पता चला? क्योंकि 1/q लिखा है, 1/q लिखा है। विचरण के चिन्ह को बराबर लिखेंगे तो 1/q k अपॉन क्यू हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो k बराबर पी क्यू। अब सवाल में p 15 दिया है, q 14 दिया है, तो p और q का मान डाल दिया, k मिल गया, यानी विचरण का अचरांक मिल गया। अब देखिए पी क्यू बराबर k है, जबकि k 210 है, इसका मतलब पी क्यू बराबर 210, तो ये विचरण का समीकरण मिल गया। अब दूसरे के दूसरे पर चलते हैं। Z और W में प्रतिलोम विचरण है, क्योंकि 1/W लिखा है। विचरण की जगह पे जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो 1/W K अपॉन W बन जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो ZW बराबर K। अब Z और W का मान दिया गया है, तो यहाँ Z और W का मान डाल दिया तो ये 60.0, यानी कि 60 मिल गया, तो विचरण का अचरांक मिल गया है। अब देखिए ZW बराबर K, लेकिन K कितना है? 60, तो इसलिए ZW बराबर 60 आ गया, ये विचरण का समीकरण मिल गया। बहुत ही आसान है। ऐसे ही तीसरा, S प्रतिलोम विचरण है टी स्क्वायर के, ये विचरण के चिन्ह के जगह पे अगर बराबर डाल दिए तो 1/t² k अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो ST² बराबर k। S 4 और T 5, तो S और T का मान डाल दिए तो ये टी स्क्वायर है, तो T का मान 5 है तो 5² हो जाएगा, 25, 400, k 100 हो गया, विचरण का अचरांक मिल गया 100। अब इसका मान डाल दिए ST² बराबर 100, यानी विचरण का समीकरण मिल गया ये। अगला सवाल, x और √y इनमें प्रतिलोम विचरण है, विचरण की जगह पे इक्वल डालने पे 1/√y k अपॉन √y हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे तो x इंटू √y k मिल गया। सवाल में x बराबर 15 और y बराबर 9 दिया है, तो x के जगह पे 15, y के जगह पे 9 आ गया। √9 यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, 15 × 3 = 45, तो k 45, यानी विचरण का अचरांक 45। अभी k का मान यहाँ पर रख देंगे तो x√y बराबर 45, ये विचरण का समीकरण मिल गया। पांचवा सवाल क्या दिया, देखिए सेबों के ढेर से सभी सेब पेटी में भरे जाते हैं, प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखें तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगेंगी, 27 बॉक्स लगेंगे। यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखें तो उसे भरने के लिए कितनी पेटियां लगेंगी? देखिए यहाँ पर सेब की संख्या है और पेटी है, अगर एक पेटी में कम सेब रखेंगे तो ज़्यादा पेटी लगेगी। देखिए दो राशियाँ कौन सी है, सेब की संख्या और पेटियों की संख्या। एक पेटी में कम सेब रखेंगे तो पेटी ज़्यादा लगेगी, और एक पेटी में अगर ज़्यादा सेब भरेंगे तो कम पेटी लगेगी, यानी एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि कम होती है, तो ये प्रतिलोम विचरण है। तो सबसे पहले तो इनमें हम किस मान लेंगे, माना सेब की संख्या x और पेटियों की संख्या y, आप दोनों में से किसी एक को भी x y मान सकते हैं, आप पेटियों की संख्या को भी x मान सकते हैं और सेब की संख्या को y भी मान सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं।
अब दोनों में प्रतिलोम विचरण है तो x प्रतिलोम विचरण 1/y, विचरण की जगह पे बराबर डालेंगे तो 1/y k/y हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो xy बराबर k हो जाएगा। अब सवाल में क्या दिया है कि प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखने पे 27 पेटियां लगेंगी, यानी x 24 है तो y 27, x और y का मान डालने पे k 648 आ गया, इसलिए x y बराबर 648। अब क्या दिया है, प्रत्येक पेटी में 36 सेब हों तो पेटियों की संख्या, प्रत्येक पेटी में 36 सेब यानी x 36, तो y ज्ञात करना है, तो इस समीकरण में x का मान डाल दीजिए, एक्स वाई 648 है और x 36 है, तो x के जगह पे 36 वहाँ जाके भाग हो जाएगा। अब इन दोनों का भाग देंगे तो आंसर 18 आएगा, इसलिए यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखें तो उसे भरने के लिए 18 पेटियाँ लगेंगी। फिर है चौथा सवाल, नीचे दिए गए कथन का विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिखना है, तो ये विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिखना है। पहला क्या दिया है, ध्वनि के तरंग दैर्ध्य की लंबाई यानी कि L और बारंबारता F में प्रतिलोम विचरण है, तो कैसे लिखेंगे, L वैसे ही रहेगा, बीच में विचरण का चिन्ह आएगा, फिर F को 1/F लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रतिलोम विचरण है। ऐसे ही दिए के प्रकाश की तीव्रता I और दिए तथा पर्दे के बीच की दूरी D के वर्ग में प्रतिलोम विचरण है, तो I वैसे ही रहेगा, फिर प्रतिलोम विचरण का चिन्ह आ जाएगा और D के वर्ग में प्रतिलोम विचरण, तो ये 1/D² हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, देखिए कि L विचरण का चिन्ह 1/F हो जाएगा और ये दूसरा आई विचरण का चिन्ह 1/D² होना चाहिए था, मैंने यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पर आप छोटा सा डी के ऊपर ऐसा छोटा सा 2 लिख देना, ये बटे वाली लाइन के नीचे लेकिन डी के ऊपर क्रॉस में छोटा सा 2 लिख देना, तो 1/D² हो जाएगा। इसमें मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ठहरिए, तो यहाँ पर आपको ऐसे ये 2 लिखना है, डी स्क्वायर इस तरह से, तो ये आपका बराबर हो गया। अब बढ़ते हैं पांचवे सवाल की तरफ, पांचवा सवाल इस वर्ष ओमिट कर दिया गया है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये x विचरण का चिन्ह 1/√y है, यानी x और रूट वाई में प्रतिलोम विचरण है, तो अगला स्टेप आप जानते ही हैं, x बराबर k/√y हो जाएगा, फिर x और y का मान डाल देंगे k मिल जाएगा, फिर ये x और x का मान दिया है, अब k का मान भी डाल देंगे तो y मिल जाएगा। पांचवा सवाल देख लीजिए, x और रूट वाई में प्रतिलोम विचरण है, विचरण की जगह पे बराबर डालेंगे तो 1/√y k/√y हो जाएगा, तिर्यक गुणा करते ही x रूट वाई बराबर k, x और y का मान डाल दिया, रूट 16 यानी 16 का वर्गमूल 4, 40 चौके 160, k 160 आ गया। अब k का मान मिल गया है, x 20 दिया है, y ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इस समीकरण में k का मान तो पहले से ही डाला है तो x का मान भी डाल दिया, तो ये हो गया 20 रूट वाई बराबर 160, 20 वहाँ भाग हो जाएगा, अभी भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, रूट वाई 8 है लेकिन हमको y का मान चाहिए, तो रूट वाई को अगर y करना है तो वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो रूट वाई तो y हो जाएगा और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 8 × 8 = 64, तो y बराबर 64, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये y बराबर 64 मिल गया। तो ये पांचवा सवाल था, छठा सवाल भी ओमिट किया गया है, फिर भी समझा दे रहा हूँ,
x और y में प्रतिलोम विचरण है, यानी x विचरण 1/y, ये विचरण के चिन्ह के जगह पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो 1/y k/y हो जाएगा, तिर्यक गुणा करने पे क्या हो जाएगा k बराबर एक्स वाई, x और y का मान दिया है, दोनों का मान डाल दिए k मिल गया। अब आगे क्या दिया है, x का मान भी 20 दिया है, तो ये k का मान और ये x का मान ये दोनों इस समीकरण में डाल देंगे तो y भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ x का मान 20 है, y ज्ञात करना है और k का मान 150 हमको मिला ही है, 20 वहाँ जाके भाग हो गया तो ये 7.5 मिल गया। तो ये ओमिट है इस वर्ष 2020 और 21 के लिए, फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए आप इसे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि नॉलेज हमेशा हेल्पफुल ही रहता है, कभी ना कभी काम ही आता है। अब 7.3 की तरफ बढ़ते हैं। 7.3 दोनों का मिक्सचर है, मिक्स इसमें है प्रत्यक्ष और प्रतिलोम विचरण। जैसे कि पहला सवाल देखना है आपको कि कौन सा कथन प्रतिलोम विचरण का है, ये पहचानना है। तो तरीका वही है, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि यदि कम हो, या फिर एक पहली राशि कम हो रही है तो दूसरी राशि बढ़ रही है, तब उसे प्रतिलोम विचरण कहते हैं। जैसे ये मजदूरों की संख्या और उनके द्वारा किए गए कार्य, तो आप जानते हैं मजदूर की जितने ज़्यादा मजदूर होंगे उतने कम दिन में कार्य पूरा होगा, कम समय लगेगा, मजदूर कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। यानी ये जो पहला कथन दिया है, मजदूरों की संख्या और उनके द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए लगने वाला समय, इनमें प्रतिलोम विचरण है, तो पहला कथन प्रतिलोम विचरण का है। दूसरा, पानी की टंकी भरने के लिए आवश्यक एक जैसे नलों की संख्या तथा पानी की टंकी भरने में लगने वाला समय। अब एक पानी की टंकी है, उसमें केवल एक ही नल लगा हुआ है, दूसरी उतनी ही बड़ी पानी की टंकी है और उसे दो नलों से भर रहे हैं, तीसरी टंकी उतनी ही बड़ी है जब लेकिन उसमें तीन नलों से पानी भर रहे हैं उसमें, तो कौन सी नल टंकी जल्दी भरेगी, इसमें समय कम लगेगा, जिसमें ज़्यादा नल होंगे, जिस टंकी में जितने ज़्यादा नलों की संख्या होगी वह टंकी उतने कम समय में भरेगी। यानी नलों की संख्या और टंकी भरने में लगने वाला समय दोनों में प्रतिलोम विचरण है, तो दूसरा कथन भी प्रतिलोम विचरण का ही है। तीसरा कथन देखिए, वाहन में भरा हुआ पेट्रोल और उसका मूल्य। अब देखिए ये कैसे है, एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। वाहन में अगर आप पेट्रोल ज़्यादा भरते हैं तो मूल्य भी ज़्यादा देना पड़ेगा, पेट्रोल कम भरते हैं तो मूल्य भी कम हो जाएगा। तो यहाँ ये इन दोनों में प्रतिलोम विचरण नहीं है, प्रत्यक्ष विचरण है। यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, जितना बड़ा वृत्त होगा उतनी ही उसकी त्रिज्या भी ज़्यादा होगी, जितना बड़ा वृत्त त्रिज्या भी उतनी बड़ी, छोटा वृत्त तो त्रिज्या भी छोटी। तो यहाँ एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये भी प्रत्यक्ष विचरण हुआ। तो यहाँ पहला और दूसरा प्रतिलोम विचरण है, तीसरा और चौथा प्रत्यक्ष विचरण है। दूसरा सवाल, 15 मजदूरों द्वारा एक दीवार बनाने के लिए 48 घंटे लगते हैं, तो 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। तो यहाँ मजदूरों की संख्या है और समय है, प्रतिलोम विचरण हो गया। तो यहाँ सबसे पहले तो मानना पड़ेगा किसी एक को x, किसी एक को y। माना मजदूरों की संख्या x, कार्य पूरा होने में लगने वाला समय y। अब ये प्रतिलोम विचरण है तो कैसे लिखेंगे, x विचरण का चिन्ह 1/y, विचरण के चिन्ह के जगह बराबर आ गया तो 1/y k/y हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो एक्स वाई बराबर के। अब 15 मजदूरों को 48 घंटे लग रहे हैं, यानी एक्स 15 और वाई 48, एक्स और वाई का मान डाल दिया तो के 720 मिल गया। अब आगे क्या दिया, 30 घंटे में कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, यानी यहाँ वाई 30 है तो हमें एक्स ज्ञात करना है, तो वाई की जगह पर 30 लिख देंगे यहाँ पर।
तो देखिए वाई 30 तो एक्स ज्ञात करना है, तो वाई की जगह पे 30 लिख दिया, 30 वहाँ जाके भाग हो गया, फिर आंसर आ गया 24, यानी 30 घंटों में कार्य पूरा करने के लिए 24 मजदूर लगेंगे। तीसरा सवाल, थैली में दूध भरने वाले यंत्र से 3 मिनट में आधे लीटर की 120 थैलियां भरी जाती हैं, 3 मिनट में 120 थैली भरी जाती हैं, तो 1800 थैली भरने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ थैली की संख्या है और समय है, जितनी ज़्यादा थैली होगी उतना ज़्यादा समय लगेगा भरने में, जितनी कम थैली होगी उतना कम समय लगेगा, यानी यहाँ समय और थैलियों की संख्या इन दोनों में प्रत्यक्ष विचरण है। तो सबसे पहले तो थैली भरने में लगा समय x मान लेंगे, थैलियों की संख्या वाई मान लेंगे, यहाँ प्रत्यक्ष विचरण है इसलिए वाई नहीं लिखा, 1/y नहीं लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, तो एक्स प्रत्यक्ष विचरण है वाई के साथ में, विचरण की जगह पे बराबर आ गया तो वाई के वाई हो जाएगा, वाई वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो एक्स अपॉन वाई के। अब 120 थैलियों को भरने में 3 मिनट लग रहा है, यानी एक्स 3 है और वाई 120 है, तो एक्स और वाई का मान डाल दिया कैंस, तो एक्स बटे वाई 3/120 हो गया। अब आगे सवाल क्या दिया है कि थैलियाँ अगर 1800 है तो समय ज्ञात कितना लगेगा, यानी वाई 1800 है तो एक्स कितना होगा, तो यहाँ वाई की जगह पे 1800 लिख देंगे, फिर तेरिया गुणा करेंगे तो ये वाई की जगह पे 1800 आ गया, तेरिया गुणा करेंगे तो ये 3/1800/120, फिर ये 0 0 कैंसिल, 180 गुणे और ये 3 4 12 हो जाएगा, तो 180/4 और 180 में 4 से भाग देंगे 45, यानी 1800 थैलियाँ भरने में 45 मिनट का समय लगेगा। चौथा सवाल, किसी कार की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर उसे कुछ दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, यदि वही दूरी 7.5 घंटे में तय करने, यानी 8 घंटे में तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना पड़ रहा है, 7.5 घंटे में पूरी करनी है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? स्पीड और भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जल्दी पहुंचना है, आधा घंटा, तो यहाँ पर 7.5 घंटे में दूरी तय करनी है तो औसत गति ज्ञात करनी है, तो यहाँ कार की गति है और दूरी तय करने में लगा समय है। तो आप देखिए जितना गाड़ी फास्ट चलाएंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे, उतना समय कम लगेगा, वेग गति ज़्यादा रहेगी तो समय कम लगेगा, गति कम तो समय ज़्यादा लगेगा पहुँचने में, यानी दोनों में प्रतिलोम विचरण है। तो सबसे पहले किसी एक को x और किसी एक को y मान लो, माना कार की औसत गति x और दूरी तय करने में लगा समय y है, दोनों में प्रतिलोम विचरण है इसलिए 1/y लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल आ गया तो एक k/y हो जाएगा, यानी एक्स वाई बराबर k। जब गति 60 है यानी कि x 60 है तब y यानी 8 घंटा लगता है, यानी y 8, तो x और y का मान डाल दिया तो k 480 आ गया, तो ये xy बराबर 480। अब आगे क्या दिया है कि 7.5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, 7.5 घंटे में दूरी तय करने के लिए कितनी गति रखनी पड़ेगी कार की, यानी वाई 7.5 घंटे तो एक्स कितना, तो वाई के जगह पे 7.5 डाल दिया, 7.5 वहाँ भाग हो जाएगा। अब दशमलव हटाने के लिए यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे 75 हो जाएगा, ऊपर 4800 हो जाएगा, भाग देंगे तो 64। अब यहाँ पीछे आंसर रॉन्ग दिया है, आप ध्यान देना, पीछे शायद 4 लिखा हुआ है उत्तर में, उसे सुधार लेना, क्योंकि 7.5 घंटे में हमें पहुँचना है तो और समय और गति बढ़ानी पड़ेगी, पहले 8 घंटे में पहुँचने के लिए 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी कार, तो अब 7.5 घंटे में पहुँचना है तो 60 के ऊपर ही आंसर आएगा, तो 64। तो इसलिए वही दूरी 7.5 घंटे में तय करने के लिए उस कार को कार की औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसी के साथ
ये सातवां चैप्टर विचरण भी समाप्त होता है। आप लोग ध्यान से समझिए, कहीं पर कोई भी